रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक ममता देवी ने गुरुवार को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बिजली संबंधित हो रही परेशानियों के आलोक में बिजली विभाग के पदाधिकारियों संग बैठक की एवं विधानसभा क्षेत्र में बेहतर बिजली व्यवस्था मुहैया कराने एवं सभी जर्जर पोल और तार को अविलंब दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बैठक में ममता देवी ने कहा कि आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति नहीं होने की वजह से लोगों को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बिजली की आपूर्ति में सुधार किया जाए। साथ ही क्षेत्र में कई ऐसे गांव और टोले हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, जिससे उन जगहों के लोगों के मन में सरकार के प्रति आक्रोश की भावना है, इसलिए वैसे सभी जगहों को चिन्हित कर जल्द से जल्द वहां बिजली पहुंचाई जाए। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर समाज सेवी सुनीता चौधरी के निर्देश पर आशु पार्टी द्वारा चिकित्सकों को मोमेंटो व पुरस्कार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। समाज सेवी सुनीता चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी में आम आवाम और खास की सेवा करने वाले या चिकित्सक धरती के भगवान हैं, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। इन्होंने इस विकट दौर में दूसरों के इलाज के लिए कई महीने अपने परिवार से दूर रहे हैं, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। पतरातू लेक रिसोर्ट के आसपास के सरकारी जमीनों में जो भी नई दुकानें एवं भवनों का निर्माण किया गया है उसे जल्द ही हटाया जाएगा। उक्त बातें रामगढ़ के डीसी संदीप सिंह ने पत्रकारों से कही। आज रामगढ़ डीसी ने पतरातू पीटीपीएस लेक रिसोर्ट के एरिया में घूम घूम कर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पीटीपीएस लेक रिसोर्ट के आसपास के सरकारी जमीनों पर जो भी अवैध निर्माण हुआ है उसे जल्द ही हटाया जाएगा। पीटीपीएस संपदा पदाधिकारी एवं सीओ पतरातू द्वारा उन लोगों को नोटिस दिया जा चुका है जो भी पुराने स्थायी या अस्थायी निर्माण हुआ है, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। आप जान रहे हैं रिजॉर्ट की वजह से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ट्रैफिक जाम वगैरह की असुविधा भी होती है, एक्सीडेंट की भी संभावना रहती है, तो पब्लिक स्पेस पूरी तरह खाली रहे इन्फोर्समेंट से, ये हम वहाँ पर प्रयास विशेष पर संपदा पदाधिकारी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पीटीपीएस के हैं, उनको ये कहा गया है कि अपने एरिया में वो चिन्हित कर लें, किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं हो, फर्दर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो, ये इंश्योर कराएं, और पुराना अगर कहीं कुछ हुआ है तो आवश्यक कार्रवाई की। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से उपायुक्त श्री संदीप सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा तीव्र गति से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा अलग क्षेत्रों में स्थायी टीकाकरण केंद्र भी शुरू किए गए हैं। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को जिला योजना पदाधिकारी विजय कुमार बेक ने सहायक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शशांक शेखर मिश्रा के साथ रामगढ़ शहर के श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में बनाए गए मेगा टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर टीकाकरण कार्यों का जायजा लिया। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि एवं वृषा हरित ग्राम योजना अंतर्गत पानी रोको पौधा रोपो अभियान के तहत आज मांडू प्रखंड अंतर्गत मांडू चट्टी पंचायत के ग्राम गड़गाली में जिला कृषि पदाधिकारी रामगढ़ श्री राजेंद्र किशोर, कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ के केंद्र प्रभारी सह वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार राघव, प्रखंड विकास पदाधिकारी मांडू श्री विनय कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्री समीरन मजुमदार, मुखिया श्रीमती फूलमती देवी के हाथों से वृक्षारोपण किया गया। इसके तहत अधिकारियों ने अपने हाथों से कई फलदार और छायादार वृक्ष का रोपण किया। गैर सरकारी संगठन एक्शन एड के प्रतिनिधि मोहम्मद शाहनवाज सिद्दीकी द्वारा जिला प्रशासन को 5 लीटर क्षमता वाले 40 तथा 10 लीटर क्षमता वाले 10 कुल 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए। इस दौरान जिला प्रशासन रामगढ़ की तरफ से कार्यपालक दंडाधिकारी सह नजारत उप समाहर्ता डॉक्टर मोहम्मद आबिद हुसैन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों को प्राप्त करते हुए इस सराहनीय कार्य के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक्शन एड का आभार व्यक्त किया। कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की दीदियों को कृषि कार्यों में बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायक बड़का गांव अंबा प्रसाद ने पतरातू प्रखंड अंतर्गत 2 स्वयं सहायता समूह की दीदियों को मिनी ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर
एवं केजुअल 80% अनुदानित राशि पर तथा पतरातु प्रखंड अंतर्गत 303 किसानों में से सांकेतिक रूप से 5 किसानों को 50% अनुदान पर हाइब्रिड धान बीज उपलब्ध कराए गए। मांडू विधानसभा क्षेत्र स्थित रतवे पंचायत के नवाटार गांव में शहीद जलेश्वर महतो का 28वां शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें सबसे पहले शहीद की धर्म पत्नी ने नम आंखों से फूल माला के साथ श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू सहित कई झामुमो पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा घोषित आउटरीच कार्यक्रम का आज हुआ विधिवत शुभारंभ। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आभा सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन कर की घोषणा। आसू छात्र संघ की मांडू प्रखंड कमेटी गठन, अजय अध्यक्ष व रोशन बने सचिव। रामगढ़ में पहली बार एसी मैरिज हॉल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। जी हाँ, गणक मैरिज हॉल सबकौड़ी कॉम्प्लेक्स बार्गेन बाजार के पीछे रामगढ़ कैंट रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9431957975, 9386403877।